कंपनियों की जैसी कंपनी वैसी बदली, दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते थे और जब वो कॉमेडी करते थे तो हंसा हंसा के पेट को दुखा देते थे। तो किसी एक इंसान में इतने गुण, मैं नहीं समझता कि मेरी याददाश्त में अगर कोई एक ऐसा शख्स दूसरा था तो वो किशोर कुमार थे। वो थे, उनमें इतने गुण थे, या मैंने वो गुण कादर भाई में देखे। और कभी उन्होंने पब्लिसिटी पर ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने अवार्ड खरीदने की कोशिश नहीं की, कभी किसी कैंप से वो नहीं बंधे और हर कैंप में काम करते थे। कभी किसी की चापलूसी नहीं की, कभी किसी के तलवे नहीं चाटे, कभी किसी से कोई फेवर नहीं मांगा। वो शख्स कर्मयोगी था, वो काम में यकीन रखता था। और एक बात मैं आपको बताता हूं जो किसी को नहीं पता है, कादर भाई ने जितने डबल और ट्रिपल रोल्स किए हैं दुनिया के किसी एक्टर ने नहीं किए। और इस बात को उन्होंने कभी पब्लिसाइज नहीं किया, ये बात कभी मंदिर यहां पर आई नहीं। मैंने कहा उनसे, गंगा कादर भाई आप इतनी आसानी से आप डबल ट्रिपल रोल्स कर लेते हैं, इसकी फेहरिस्त बनाइए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करके हटाओ यार, ये सब बेकार बात है, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। तो ये थे कादर भाई, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। महमूद साहब का दौर तो हमने नहीं देखा, बीरबल जी ने देखा है, हमने महमूद जी का दौर नहीं देखा। महमूद साहब के दौर में या तो किसी कॉमेडियन के नाम से हाउसफुल होता था, लोग चाहते थे, या कादर भाई के नाम से मैंने देखा है अपनी याददाश्त में कि अगर फिल्म में कादर खान आप आकर में डाले, आप आकर पाकर हो गई काफी बात। तो ये कादर भाई थे। देखिए मैंने पहले कहा था कि ये बीच में मत, एक आदमी का वो टूट जाता है, बात करिए तो बाहर जाइए ना, सिलसिला टूट जाता है बात करने का। तो मैंने ये देखा अपने दौर में कादर भाई के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदता था, कादर भाई जब सेट पर आते थे तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की मैंने लाइन लगते देखी है जो उनसे मिलने आते थे। आपने भी काम किया लॉरी जी ने उनके साथ, तो साजन में थे, बड़ा अच्छा रोल था, साजन में बहुत अच्छा रोल था। तो वो एक भंडार थे टैलेंट का, टैलेंट से भरे हुए थे। और इतना अलर्ट उनका दिमाग था, इतना ह्यूमरस दिमाग था कि बस वो फिल्म बदी बोलते रहते थे, ऐसे ऐसा ह्यूमर निकलता था उनकी बातों से, मैंने नहीं देखा किसी को। डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये सरार होता था कि कादर भाई को फिल्म दीजिए। और एक बात आपको और बताऊं, यहां शख्स बैठा है जो मेरी बात की तारीफ करेगा कि ना सिर्फ मनमोहन देसाई, ना सिर्फ प्रकाश मेहरा, ना सिर्फ साउथ की फिल्में, ना सिर्फ डेविड धवन जिसको वो पसंद करते थे, कोई गरीब प्रोड्यूसर पहुंचा के कादर भाई आपके आने से मेरी फिल्म में बदन आ जाएगा, चार चांद लग जाएंगे, मेरी फिल्म बिक जाएगी। कादर भाई बिना किसी शर्त के काम कर देते थे। इसरार मियां उसके गवाह हैं, इसरार भाई की इतनी फिल्में उन्होंने की, वो भले बहुत बड़े आदमी थे लेकिन उनके दिल में एक गरीब इंसान का दिल धड़कता था। और कभी अगर आप उनकी तारीफ कीजिए तो बहुत एम्बेरस होते थे, उन्हें बहुत वो होता था, मतलब बेचैनी होती थी उसकी वजह थी, उन्हें अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं थी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कादर भाई का हुनर बोलता था,
उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। और आज मैं एक लिस्ट लेकर आया, मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डाला तो 30 फिल्में मेरी कादर भाई के साथ निकली हैं। 30 फिल्में निकली हैं, उसमें आवर तेजाब भी है आपकी फिल्म इसरार भाई की, जलाब उन्नी गुनी लिखी मैंने, वो मिस हो गई, तो 31 हो गई है फिल्में। तो ये कादर भाई थे। और एक बात जो हमने बड़ी अच्छी थी, स्टूडियो स्टूडियो था, घर घर था। बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होंगे जो कादर भाई के कभी घर गए होंगे। घर से स्टूडियो का कोई नाता नहीं था और स्टूडियो से घर का कोई, क्या थी वो तो अल्लाह जाने या कादर भाई जाने। ये था कि जिस इंसान ने 4 दशकों तक लोगों को हंसाया, मायूस चेहरों पे उन्होंने मुस्कुराहट बिखेरी। शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकते। इसरार भाई की कितनी फिल्में की हैं इसरार भाई बता सकते हैं? बिना किसी शर्त के, बिना किसी अमाउंट के इसरार भाई की हर फिल्म में काम करते थे। बस अल्लाह ने, ईश्वर उन्हें जन्नत दे, स्वर्ग दे। और एक बात और कहूंगा कि कामयाबी मिलना बड़ा आसान होता है। हमने वन फिल्म वंडर्स भी देखे हैं जो एक फिल्म में आए और उसके बाद उनका कहीं पता नहीं चला। और कादर भाई हर गुजरते साल के साथ उन्होंने फन की बुलंदियों को और छुआ। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। 40-45 साल में, और वो एक बुरी आदत की तरह थे। कादर भाई की लत लग जाती थी, वो प्रकाश मेहरा हो, वो मनमोहन देसाई हो, वो साउथ के जितने भी डायरेक्टर्स हो, टी रामाराव हो, के बप्पैया हो, डेविड धवन, कादर भाई वॉज लाइक अ बैड हैबिट। एक बार आपने उनके साथ काम कर लिया तो फिर आप उनके बगैर रह नहीं सकते। तो बस उनको हम सलाम करने आए हैं, एक अकीदत के साथ आए हैं। और उनका जो फन था, उनका जो एक सुपर टैलेंट था, वो बड़े बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने कादर भाई के साथ काम नहीं किया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, उनका किया हुआ काम तो सदियों तक जिंदा रहेगा। जो भी न्यू कमर चाहे, जिसे ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कादर भाई के साथ काम करने का, वो उनकी फिल्में देख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। तो बस यही, मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं लेकिन वक्त भी कम है और भी बोलने वाले हैं। वीआईपी साहब तो खैर कमाल है, उनके फन में भी कमाल है, वो भी अपने फन के जौहर दिखाएंगे आपको। तो बस मेरी यही इल्तिजा है कि उनकी मगफिरत के लिए आप दुआ कीजिए। और कादर भाई, आपका जिस्म खाकी कनाडा में हो लेकिन आपकी रूह हमेशा हिंदुस्तान में ही रहेगी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों को आपने खुश किया, हिंदुस्तानियों का आपने मनोरंजन किया। मैं आपको मनोरंजन की यूनिवर्सिटी कहता हूं। आपका दिल, आपकी रूह, जिस्म आपका वहां दफन है लेकिन आपका दिल, आपकी रूह, आपकी आत्मा हमेशा हिंदुस्तान में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अच्छी शुरुआत कादर साहब के लिए, कादर साहब के जीवन के बारे में बताने के लिए इस सभा में इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। शुक्रिया दादा साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपके बातचीत के दरमियान हम सब ने वो बातें जानी जो शायद यूट्यूब पर नहीं है, ये किसी के मुंह से जल्दी सुनने नहीं मिलेगी। तो रजा साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। और अब आइए, मैंने पहले ही कहा था कि इस सभा का तात्पर्य ये है कि हम कादर साहब को रोते हुए याद नहीं करेंगे। उन्होंने हमको हंसाया है तो हम भी उनको हंसाते हंसाते हंसते हंसते याद करेंगे। तो मैंने वीआईपी से रिक्वेस्ट की, वीआईपी अयोध्या में शो कर रहे थे, आज ही फ्लाइट से
भागे भागे आए, मैंने कहा भाई 5 मिनट के लिए आ जाना जरूर, मेरे दोस्त भी आए थे, जोरदार तालियां। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कलाकार तो ये बहुत बड़े हैं ही, ऐसे इंसान भी बहुत बड़े हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कादर भाई के बारे में जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस हो और जो भी आपने कुछ काल्पनिक कुछ सोचा होगा वो भी प्लीज करें। वीआईपी जोरदार तालियां। बोल दिया सच में शब्द ही नहीं है, पर मैंने उनके साथ एक फिल्म की हैप्पी सिंह पैप्पी सिंह, और मेरे दादाजी का रोल किया उन्होंने, और मेरा सौभाग्य है फिल्म तो आई नहीं पर उनके साथ काम किया, उनसे कुछ कुछ सीखने मिला, और मतलब आज ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कई एक्टरों को बोलना सिखाया जो ठीक से बोलते नहीं थे, उनको सिखाया है कि इस डायलॉग को ऐसे बोलो, और उनको हम मिमिक्री आर्टिस्ट फॉलो करते हैं, चाहे कितना बड़ा स्टार सुपरस्टार क्यों ना हो। वो कादर भाई ने लिखा है, कादर भाई बताते थे कि ऐसे ऐसे बोलना है, इस तरह से बोलना है, तब जाके वो स्टार बने हैं। बिना कादर भाई के कोई भी स्टार स्टार नहीं बना, ये हमारे सीनियर बैठे हैं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। और लोग कहते हो चले गए, लेकिन गए नहीं है वो, उनको जिंदा रखेंगे हम मिमिक्री आर्टिस्ट। हम जहाँ भी जाते हैं, मेरी तो रोजी रोटी, मेरा तो घर का चूल्हा कादर भाई की, जितने भी पूरा बॉलीवुड है जितना भी है उनके लिए चलता है, उनकी आवाज निकाल निकाल के आज मैंने 4 BHK का फ्लैट ले लिया है सिर्फ आवाज निकाल के। तो कादर भाई की आवाज आपके सामने जरूर पेश करूंगा, क्योंकि मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और लोगों को सीखना चाहिए। तो उनके सारे जो गुण हैं कादर भाई के, भड़कने वाले से लेकर कॉमेडी वाला अंदाज सारा, सबसे पहले सबसे पहले आप सभी यहाँ पर आए हो तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप मैं यहाँ पर होता तो आप सभी को प्रणाम करता, लेकिन वीआईपी के जरिए मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे कॉमेडी वाला मैंने पहले कहा था आईडी खोपड़ी खुल जा, अगर जिंदगी में ये होता है तो ये होता है, ये उनका अंदाज था। और एक कई फिल्मों में नसीहत देते थे और लोग समझते भी थे, उनकी नसीहत कई लोगों ने अपनाई भी है। जब वो कोई बाप या बेटों का कोई ऐसा सीन होता था कि बेटा नालायक है, तो जिस तरह से समझाया जाता था वाक्य में, हर बेटा समझता था कि यार बाप की वाक्य में सुन लीजिए, वाह बेटी आज तू इतना बड़ा हो गया है कि तू अपने बाप को गाली दे रहा है, शाबाश बेटे शाबाश, तू भूल गया उस दिन को जब मैंने तो छोड़ा था और इस धोती फिराया था, वाह बेटे वाह। तो हर बेटा तो मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा, लेकिन मैं दिल से मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, और कादर भाई हमेशा जिंदा रहेंगे, दिल में रहेंगे, आप सभी दिल में रहेंगे, और सुनील भाई के दिल में तो रहते ही। और शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे याद किया, सुनील भाई आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और मैं हूँ यही। उनके ऊपर गाने भी बहुत अच्छे अच्छे फिल्म आए गए, मतलब वो जो गाना बड़ा अच्छा लगता जो मतलब आज के सच्चाई, आज के समाज की सच्चाई, छन छन किसनो छन का ये दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है की है। तो मनोज जी जरा एक याद ताजा कर दीजिए, मनोज अग्रवाल जी के जोरदार तालियां प्लीज। कादर भाई के साथ मैंने एक बात रखा है, मेरी उनसे काफी मुलाकातें थी, बहुत अरसे से मिलता रहता था, क्योंकि गोविंदा से मेरी अच्छी दोस्ती थी, गोविंदा के साथ काफी काम किया मैंने, तो उनके हर सेट पे मेरी मुलाकात होती थी, बहुत लंबी लंबी बात होती थी। वो हमेशा चाहते थे कि इस कॉम्बिनेशन में भी उनके साथ काम हो, तो मैंने बात तेरा कैक्ट करना में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने की। मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरी इस फिल्म में शम्मी कपूर जी भी थे, तो मैं देखता था अक्सर शम्मी जी और कादर भाई पीछे बैठ के हंसते रहते थे काफी देर तक, ये दोनों सेट छोड़ के जाते ही नहीं थे, और पीछे बैठ के मैं शूटिंग करता रहता था, ये पीछे एक दूसरे से बातें करते रहता, ये एक बात था। कई बार हालांकि कादर भाई ने इतनी बात कर ली है और उसके अलावा बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां सीन अच्छे लिखे हुए नहीं आते थे, तो ऑन द सेट जो है कादर भाई के साथ बैठ के सारा का सारा सीन प्लान करना, 10 एक्टर्स का परफॉर्मेंस कादर भाई खुद करके बताते थे कि ये ऐसा कर ले, वो वैसा कर ले, वो वैसा कर ले, वो वैसा कर ले, और उसमें से कॉमेडी बहुत अच्छी निकल के चलती, इस तरह से काम किया। थैंक यू।
हल्के से इनका कोई भी किस्सा अगर याद भी दिलाएगा तो हमें किस्सा हम विजुअल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं और अनायास हमारे चेहरे पे उनको याद करके हंसी आएगी। तो ऐसा काम करके गए हैं। मेरे हमारे लॉरेंस जीसस साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि वो बताए। कादर भाई जी, लॉरेंस एक्चुअली बोलने लायक कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ कादर भाई के बारे में, और मैंने कादर भाई के साथ 5-6 पिक्चर्स सिनेमाटोग्राफी की है उनके साथ, गोविंदा कादर भाई, और 2-3 पिक्चर मैंने एज अ कैमरामैन डायरेक्टर उनके साथ किया, जिस तरह आशिक साजिद और अनुप कांदा। लेकिन इतना मजा आ रहा था काम करने में कि पता नहीं चलता था कि शेड्यूल कैसे खत्म हो गया। सेट पे इतना कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अगर एक साथ अगर सीन देते हैं तो वो अपना, मैं बोलता कादर भाई ये नहीं है तू शूटिंग कर, जहाँ काटना है वहाँ काट। तो उनका ये बहुत बहुत ही मतलब मजा आता था काम करने में, और आज बहुत अफसोस हो गया कि ये सब बातें सुन के, लेकिन हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि उनका आत्मा को शांति मिले। बहुत पुराने दोस्त है कादर साहब के, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई, आपने माशाल्लाह उनकी याद में एक सभा रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जितने भी लोग यहाँ पे आए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस मुंबई शहर में भागदौड़ में लोग को आना, वक्त पे आना, मैंने देखा कि सारे लोग तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुँच गए, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। कादर भाई की रेस्पेक्ट समझ में आती है, कादर भाई क्या चीज है। कादर भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत उम्दा कलाकार थे, बहुत सारी क्वालिटियाँ थी उनके अंदर। मुझे एक फिल्म का याद है कि जब मैं शूटिंग कर रहा था उनके साथ, गोविंदा हीरो थे उसमें, तेरी पायल मेरे गीत, छोटा कश्मीर गोरेगांव, तो मैं और शक्ति कपूर जी हम दोनों विलेन थे, और एक सीक्वेंस ऐसा था कि वो बोट से भागना चाह रहे हैं और बोट के अंदर भाई को दूसरी बोट में लेके आए, तो पता ये चला कि वो जब भी शूटिंग के लिए निकलते थे तो फजर की नमाज और कुरान शरीफ पढ़ के घर से बाहर निकलते थे। ये सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी थी। तो मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करता हूँ। चूंकि रजा भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी, रजा भाई के बहुत करीब थे, और बीच में जब मैं मिलने गया था उनसे बहुत, मैंने एफ पे वो फोटो भी डाली थी, और एक रोज बच्चन साहब का फोन गया वहां पे, तो उन्होंने फोन आया, घंटी उठाया, उन्होंने अपने अंदाज से बात की, इधर आ इधर आ हरामजादे, अभी मैं जिंदा हूँ। तो बोले कि अरे भाई मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। बहुत दुआएं थी कि उनकी मैयत अपने मुल्क में आए, हिंदुस्तान में आए, लेकिन ऐसा हो ना सका, पता नहीं क्या मजबूरियां होंगी, परिवार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम सब लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी दुआ की मगफरत करते हैं कि मालिक उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, उन्हें जहन्नम की आग से बचाए, और उनके जितने भी जो चाहने वाले हैं उनको इसी तरीके से उनकी फिल्में देख के उनके लिए खुश हूँ, दुआएं दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि इतनी सारी बातें आप सबने कही, बस मैं भी उनका प्रशंसक हूँ, फैन हूँ, और बचपन से फैन रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे वाकई में ये दिल की बात है कि हीरो से ज्यादा उन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया, और अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे मेरे, जो एक खास सबके पसंदीदा कलाकार होते हैं गोविंदा, और जब मुझे पता चला कि मैं जिनका फैन हूँ वो उनके फैन है, तो मैं और भी ज्यादा उनका मुरीद हो गया, और बहुत दुख हो रहा है। बस यही है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ रहे खुश रहे, और वो वाकई में हमेशा अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे, भले ही हमारे बीच में ना रहो। और बस इस बात का बहुत दुख है कि मैं उनसे मिलने से वंचित रह गया, लेकिन बस उनका आशीर्वाद मिले और ऐसे ही मैं सीखता चलूं। यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिनकी तारीफ में जितने भी शब्द कहे जाए वो कम पड़ जाते हैं। कुछ लोग मानव बन के पैदा होते हैं और कुछ लोग महामानव बन के पैदा होते हैं जो कि इतिहास रचते हैं। कादर खान साहब के साथ मेरी सिर्फ जिंदगी में 3 मुलाकात है, लेकिन वो 3 मुलाकात, एक एक मुलाकात 5-5 घंटे चली है, और उनकी इतनी गहरी अध्यात्म के ऊपर पकड़ है जितने कि लोग बड़े बड़े कुरान बाइबल गीता पढ़ के नहीं
प्रवचन दे सकते हैं, इतनी गहरी उनकी अध्यात्म के ऊपर पकड़ थी। बीच बीच में इतने लंबे समय के अंतराल में जब भी नमाज का वक्त होता था वो बोलते थे स्वामी जी थोड़ा बैठिए आप, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अभी रजा मुराद साहब ने इतनी उनकी यादें जुड़ी है इनके साथ से कि मेरी तो आंखें नतमस्तक हैं और आत्मा कभी मरती नहीं है, वो जहाँ भी हैं स्वर्ग में हैं, फिर से पैदा होंगे, फिर से एक इतिहास रचेंगे और हम लोग उस इतिहास के गवाह बनेंगे। इन्हीं सब के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको एक नया इतिहास बनाने का अवसर प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कादर खान महज एक अभिनेता नहीं थे, कादर खान महज एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं थे, कादर खान महज एक डायलॉग राइटर नहीं थे, कादर खान अपने आप में एक दौर थे, एक इरा थे। उन्होंने 45 साल तक दर्शकों के दिलों पर हुकूमत की, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर हुकूमत की, और ये हुकूमत जो थी ये कोई जोर या जबर की नहीं थी, उन्होंने हुकूमत की अपने फन की बदौलत। और अमिताभ बच्चन की इतनी फिल्में, अमिताभ बच्चन के इतने वन लाइनर्स जो आज भी लोगों की जबान पर हैं, एक तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्में लिखते थे, दूसरी तरफ गोविंदा की फिल्में लिखते थे, और तीसरी तरफ साउथ इंडिया में जब जितेंद्र साहब का तूती बोल रहा था उनकी फिल्में लिखते थे। और हर कैरेक्टर के हिसाब से, जितेंद्र साहब की पर्सनैलिटी के हिसाब से, गोविंदा साहब के पर्सनैलिटी के हिसाब से, अमित जी की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सीन्स लिखते थे और जैसी फिल्म होती थी। और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी लिखी है या कॉमेडी की है, जब उन्होंने सीरियस रोल्स किए हैं तो उन्होंने दर्शकों को रुला दिया है। वो फन था, वो आदमी जो है दुनिया में ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने उसे इसी काम के लिए भेजा था, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। वो एक मिशन के साथ आए थे। और मैं ये कहूँगा कि कादर भाई ने एक भरपूर जिंदगी जी, बतौर एक्टर, बतौर डायलॉग राइटर, बतौर अपने आप में एक शख्सियत और बतौर एक टीचर। बुनियादी तौर पे कादर भाई टीचर थे, उन्होंने लोगों को सिखाया, उन्होंने लोगों को बोलना सिखाया। और क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, यही कहूँगा कि जो सबसे अच्छी बात उनकी ज़िंदगी में रही वो ये थी कि उन्होंने गुर्बत बचपन में देखी, गरीबी को बहुत करीब से देखा, उन्हें पता था कि गरीब आदमी की क्या तकलीफ़ें होती हैं, उसकी क्या ख्वाहिशात होती हैं। इसलिए जब भी कादर भाई ने फिल्में लिखी हैं, ख़ास तौर से उन्होंने आम जनता जो है इस देश की, उनका ख्याल रखा है, क्योंकि हर उस दौर से वो गुजर चुके हैं जिससे एक गरीब आदमी गुजरता है। और वो एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़ा उनका दिल था, लेकिन उनके दिल में इतना, इतनी बुलंदियों पे पहुंचने के बावजूद जो उनके दिल में एक गुर्बत थी, उनके सीने में एक गरीब आदमी का दिल धड़क रहा था, और आखिर तक वो दिल जो था वो गरीबों के लिए धड़का। कभी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़ी बड़ी फिल्में करते थे, मद्रास की करते थे, अमिताभ बच्चन की करते थे, प्रकाश मेहरा की करते थे, मनमोहन देसाई की करते थे, लेकिन इसरार जैसे हमारे प्रोड्यूसर भी जब उनके पास जाते थे, उनसे मिन्नत समाजत करते थे, तो कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। ये नहीं था कि कादर भाई की वक़्त कम होती थी इन फिल्मों से में काम करने से, बल्कि उन फिल्मों की वक़्त बढ़ जाती थी कादर भाई के काम करने की वजह से। तो कभी कभार सेंचुरी में एकाध कोई ऐसा बंदा पैदा होता है, 100 साल में, एक शताब्दी में, और बार बार मैं ये कहता हूँ उनके बारे में
कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी, ना शराब पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना कभी औरतों में दिलचस्पी लेते थे। उनके तीन मिशन थे, काम काम और काम। वो कर्मयोगी थे, काम करने के लिए आए और अपना काम खत्म करके चले गए। काम से उन्होंने बहुत मोहब्बत की, जैसा कि मुगले आजम का एक बुकड़ा है कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो कादर भाई, जब तक ये इंडस्ट्री है, जब तक ये दुनिया कायम है, कादर भाई का नाम जो है सुनहरे अल्फाजों में लिखा जा चुका है, जो कभी कोई मिटा नहीं पाए। इतना ही। हमारी उस पर शक कर रहे हैं आप, हमारी नियत पे शक कर रहे हैं। हम तो हमेशा उनके टच में रहे हैं। अब भाई बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है, और अगर कसर ना रहे तो फिर इंसान और भगवान में क्या फर्क है। निदा फादरी का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है। एज कॉमेडियन हम सब ने आज मिलकर कादर साहब को अपने अपने अंदाज में याद किया, क्योंकि उनके अंदाज के बारे में तो ये कह सकते हैं कि वो हरफन मौला थे, हर गुण संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न जिसे कह सकते हैं। गुण भी जो है मतलब उनका कदरदान था, मतलब खानों के खान कादर खान को हम सब ने याद किया, और साथ साथ में कई लोगों ने उनके चुटकुले अंदाज को भी याद किया, कुछ उनके दोस्तों को, कुछ पुराने किस्सों को याद किया, उनके काम करने के तरीकों को याद किया, उनके लेखन के तरीकों को याद किया, इंसानियत को याद किया। कुछ लोगों ने शिकायत भी की, इंडस्ट्री की शिकायत की, और इंडस्ट्री की शिकायत अब हम सबको करीब करीब सेम होती जा रही है कि जब किसी लेजेंड का स्वर्गवास हो जाता है या कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो हमारे बॉलीवुड के लोग उस पर जो रिएक्ट करते हैं, बड़े बड़े कलाकार, मैं समझता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि अभी तक बहुत बड़े बड़े कलाकारों का कुछ ट्वीट या कोई ऐसा मामला आया नहीं है। कादर खान साहब के लिए, इससे पहले मोहम्मद अजीज साहब के लिए भी ऐसा ही था, सब बड़े बड़े कलाकारों के लिए साथ में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेन बॉलीवुड को देखता कौन है, बॉम्बे से बाहर के लोग, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी सिनेमा का चाहता दर्शक, उन तक ये बात पहुँचेगी तो आप स्टार लोग आप उनके नजर में दो कोड़ी की हो जाओगे। ऐसे मत कीजिए, आप फिल्म भी बनी है मगर साथ में इल्म भी बनी है, आपको ये जिज्ञासा होना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किसकी वजह से बने हो, किस राइटर ने आपको बनाया, किस सिंगर ने आपको बनाया, किसके गाने से आप आज भी याद किए जाते हो, किसके डायलॉग से आप याद किए जाते हो। पत्ते दिख रहा है लेकिन जड़ को भूल रहे हैं, और जड़ जो है, जो हमारे सीनियर है, कोई भी जितने बड़े सीनियर है, चाहे वो काका राजेश खन्ना जी हो, चाहे कादर जी हो, इतने बड़े बड़े लेजेंड जब सुनने में मिलते हैं हम लोगों के, फलाने आर्टिस्ट के लिए कुछ ज़रूरत थी या कुछ, कोई भी कलाकार हो, सबका दिन आने वाला है, सभी उस दौर से गुजरेंगे, ऐसा नहीं कि कोई हमेशा ऊपर होगा, सबको नीचे आना है। लेकिन जब आप नीचे रहते हो उस वक्त अगर आपको प्यार मिल जाए, मैं पूरी बॉलीवुड को कहने जा रहा हूँ, बॉलीवुड जब आप देखते हैं कि जो कलाकार इस दुनिया में अब खोया जा रहा है, मतलब अगर उसको थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो वो कुछ साल और जी सकता है। ऐसे ही कुछ कलाकारों के साथ हुआ है, जैसे कि अभी आज काफ़ी लोगों ने कहा कादर जी के बारे में कि उन्हें अंत में प्यार नहीं मिला, तो ये बहुत ही बॉलीवुड के लिए बहुत शर्मनाक की बात हुई है। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो जो कलाकार अब जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं, उसे याद कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनके साथ बैठिए, कुछ भी उनसे काम कराइए, लिखाइए, बिखाइए, जो राइटर हो,
कोई भी हो, क्योंकि कलाकार तब जिंदा रहते थे जब उनके साथ पूरा बॉलीवुड खड़ा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉलीवुड ऐसी गलती दोबारा ना करे, उन्हें प्यार मिले। और कादर जी के लिए बस ये कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सुनील पाल जी ने जो ये बेड़ा उठाया आज, बहुत सारे लोग आए, रजा जी आए, मतलब पूरी इंडस्ट्री जो चाहे थे वो नहीं आए, मगर जो लोग आए इससे पता चलता है कि ये लोग कादर जी को बहुत प्यार करते हैं। और एक शुरुआत की है सुनील भाई ने, तो मैं चाहूँगा कि इस ऐसी बरकरार है, मतलब कोई जाए नहीं, मतलब ऐसा मौका नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा कभी खड़े होने का मौका मिले तो सुनील जी और हम सारे कलाकार तो रहेंगे, और भी कलाकारों से विनती करते हैं कि आप भी जुड़े ताकि उस कलाकार को आत्मा को शांति मिले। उससे ज़्यादा अफसोस है कि उनके अफसोस पे कोई अफसोस करने वाला नहीं है, जिनको देखकर हम सब बड़े हुए, इंडस्ट्री में इतना सब कुछ दिया और धीरे धीरे ये सब धरोहर जा रही है हमारी, अब ये धरोहर मिलनी नहीं है, तो एकजुट होकर इन पर अफसोस तो कर सकते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सिनेमा बनाया है और बहुत कुछ दिया है, एक से एक जो लेजेंडरी है इन्होंने ही दिया है। तो बस यही अफसोस है कि कम से कम अफसोस दिल से ज़रूर करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, और इससे हमारे जो गैर फिल्मी लोग हैं उन पर भी हमारे परिवार का, इंडस्ट्री का अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि नहीं आपस में ही अगर इनके दुख या कोई ऐसी मुसीबत आती है तो सब एकजुट होते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा इंडस्ट्री के तमाम लोगों से कि जब ऐसा कोई लेजेंडरी या कोई ऐसा कलाकार हमें अलविदा कह रहा है, ये दोबारा नहीं आने हैं, तो एक ऐसा आयोजन ज़रूर करें जिसमें हम सब अपना दुख प्रकट कर सकें। और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुनील भाई का कि जो दुख था ये सिर्फ टीवी पे देखा था, अंदर था और घुटन हो रही थी कैसे व्यक्त करूँ, तो आज इस शोक सभा में उसे व्यक्त करने का सौभाग्य मिला और बड़ा मन हल्का भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि लोग अभी भी उनको बड़ा प्यार करते थे और उनके लिए अफसोस कर रहे हैं। सोचते हैं जो स्टार लोग हैं जो छः गाने पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और जिसका टाइम थोड़ा सा डावाडोल चलता है उस पर जो किनारा कस लेते हैं, तो इन स्टारों को लगता है कि बॉलीवुड में आपस में बना के रखो। इन्हें नहीं पता कि बॉलीवुड को देखता है दर्शक, हिंदुस्तानी सिनेमा का रियल दर्शक, और उन तक जब आपकी ये इमेज पहुंचती है तो फिर वो जब दर्शकों को, क्योंकि आपको बनाया दर्शकों ने, तो फिर वो बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप प्लीज़ दर्शकों को, दर्शक बहुत इमोशनल है, भावुक है, उन्हें बेवकूफ मत समझो। अब बॉलीवुड ने क्या किया है, बॉलीवुड के स्टार, सो कॉल्ड स्टारों ने ये समझना शुरू किया है कि हम सब होशियार हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आपको पता ही होगा कादर खान ने कई लोगों को बनाया, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कई कॉमेडियंस बनाए, कई कॉमेडियन को सुपरस्टार बनाया, कई लोगों को एंग्री में बनाया, कई किसी को सुपरस्टार बनाया, किसी को कॉमेडी, सब आपको पता है नाम क्या है, आपको पता ही है। अभी नाम लेने से क्या होता है, सबको, सबके साथ ऑडियंस को नहीं पता है सर, आपके फैंस को नहीं पता है। अब अमिताभ बच्चन साहब के साथ में तो लोग पता ही है कि कितनी सारी फिल्में उन्होंने लिखी है। राजेश खन्ना साहब उनको लाए थे, दिलीप कुमार साहब लाए थे, इतने महान कलाकार दिलीप कुमार साहब, राजेश खन्ना साहब जो सुपरस्टार है, उन्होंने कादर खान को लाया, कादर खान साहब को, और कादर खान ने मिलकर इन सब के साथ में सीख कर ऐसा काम किया कि फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार को दिया, सुपरस्टारों ने इनको लाया तो इन्होंने भी सुपरस्टार लाए, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान खान, अक्षय कुमार, डेविड धवन, मतलब मुझे किसी का भी तो नाम दिखाई नहीं दे रहा है ये सभी से, सब चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इल्मी हो जाइए, ज़्यादा फिल्मी मत होइए, बहुत बुरा लगता है, दर्शकों को बहुत बुरा लगता है। दर्शक जो हमारे हिंदुस्तान के ना, वो दिल से फिल्म सिनेमा देखते हैं, दिमाग से नहीं देखते। जिस दिन दिमाग से देखेंगे ना, उस दिन आपको देखेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट।